तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से बड़ी ही आसानी से Kalinex 2021 की लाइफ प्रसिस्टेंस USB ड्राइव बनाई जा सकती है, जिसमें अपने हिसाब से टूल्स को इंस्टॉल करके उसे कभी भी और कहीं भी किसी भी सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। तो जब से Kalinex 2020 का पहला वर्जन रिलीज़ हुआ है, तब से मेरे पास आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी Kalinex की लाइव USB ड्राइव बनाने की। इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, वैसे ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर ये वीडियो काफ़ी पुराना हो चुका है। तब से Kalinex में काफ़ी चेंजेस भी हो चुके हैं, खास तौर से इस साल के पहले रिलीज से ही। तो आज मैं आपको Kalinex की लाइव प्रसिस्टेंस USB ड्राइव बनाने का काफ़ी आसान मेथड बताऊंगा, जिससे आप ये काम काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। प्रसिस्टेंस USB ड्राइव का मतलब आप जानते ही होंगे, मतलब आप जो USB ड्राइव के अंदर लाइव Kalinex इंस्टॉल करते हैं, और यदि आप इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, अपनी फाइल्स फोल्डर क्रिएट करते हैं या अपने कस्टम टूल्स को इंस्टॉल करते हैं, तो वो चेंजेस भी सेव होते रहें, लाइव USB के रीस्टार्ट होने के बाद भी वो चेंजेस रीसेट ना हो, तो ये आपके काफ़ी काम आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको अपने इस वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर Kalinex की लेटेस्ट लाइव IOC इमेज को डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आप ये वेबसाइट अपने ब्राउज़र पर ओपन कर लीजिए। आप यहाँ से Kalinex की लेटेस्ट इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कई तरह की इमेजेस मिल जाएंगी, जैसे कि इंस्टॉलर इमेजेस, लाइव इमेजेस। तो आपको यहाँ पर लाइव USB के लिए ये लाइव वाली इमेज डाउनलोड करनी है। आपको यहाँ पर दो तरह की लाइव इमेज मिलती हैं, एक 64 बिट के लिए और दूसरी 32 बिट के लिए। यहाँ पर आपको Kalinex की इंस्टॉलर इमेजेस भी मिल जाती हैं। ध्यान रहे, आपको यहाँ पर इंस्टॉलर इमेज का यूज़ नहीं करना है, ये केवल इंस्टॉलेशन के लिए, लाइव USB के अंदर ये वर्क नहीं करेगी। आपको यहाँ पर ये लाइव वाली इमेज डाउनलोड करनी है, जिनके आगे लाइव लिखा हुआ है, यही आपकी USB ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होंगी। आप इसको यहाँ पर टोरेंट के द्वारा या इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस इमेज को पेन ड्राइव में ऐड करने के लिए, इसके बूटेबल USB ड्राइव बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रूफस का। आप इसके द्वारा बड़ी आसानी से बूटेबल USB ड्राइव बना सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी ISO इमेज को अपनी पेन ड्राइव के अंदर राइट कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ पर इसके दो तरह की फाइल मिल जाएंगी, एक इंस्टॉलर फाइल है और दूसरी पोर्टेबल फाइल है, जिसको आप डायरेक्ट रन करा सकते हैं बिना इंस्टॉल किए। तो ये मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, ये देखिए, ये रूफस का पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है और ये हमारी Kalinex 2020.1B की लाइव 64 बिट की इमेज है। अब इसके बाद अपनी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर कम से कम 8GB की पेन ड्राइव यूज़ करें। ये देखिए, यहाँ पर पेन ड्राइव कनेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। इसको यहाँ पर मैंने ओपन किया, ये अपडेट्स को चेक करने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसको नो कर दिया। तो यहाँ पर ये रूफस सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी डिवाइस सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी पेन ड्राइव है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेलेक्ट कीजिए अपनी ISO इमेज। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जो भी इमेज को डाउनलोड किया है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अभी आप यहाँ पर इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रसिस्टेंट पार्टीशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर ये नो प्रसिस्टेंस है। यदि आप यहाँ पर इसके बिना इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सिंपल से Kalinex की लाइव USB ड्राइव क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको प्रसिस्टेंट ड्राइव बनाने के लिए मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि मैनुअली पार्टीशन क्रिएट करने पड़ेंगे और प्रसिस्टेंट कॉन्फ़िग फाइल को क्रिएट करना होगा, जिसमें काफ़ी गलती होने के चांस भी रहते हैं। पर यदि आप यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर पार्टीशन का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितने GB का पार्टीशन क्रिएट करना है। आप इसको अपनी पेन ड्राइव के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8GB का पार्टीशन सेलेक्ट कर लिया है। बाकी आपको यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जो जैसा है आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। मैं यहाँ पर इसका लेवल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया Kalinex। उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमें ये वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पर हमारी ड्राइव के अंदर से सारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। यदि आपके पेन ड्राइव के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उसको पहले बैकअप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट होगी, उसके अंदर पार्टीशन क्रिएट होंगे और यहाँ पर ही ISO इमेज राइट होगी, तो फिर आपका डेटा भी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर ब्लैंक पेन ड्राइव का यूज़ करें। ये देखिए, अभी यहाँ पर ये फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेट होने के बाद ये ISO इमेज को हमारी पेन ड्राइव के अंदर राइट करेगा और हमारी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएगा, और प्रसिस्टेंस USB ड्राइव बनाने के लिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा काम यहाँ पर ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ये देखिए, अभी यहाँ पर ISO इमेज कॉपी हो चुकी है। अभी हमारी ड्राइव यहाँ पर रेडी है। अभी हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। अभी हमारे पेन ड्राइव के अंदर दो पार्टीशन बन चुके हैं,
पहले पार्टीशन के अंदर हमारी कालिनक्स इंस्टॉल हो चुकी है और दूसरा पार्टीशन परसिस्टेंस पार्टीशन है। अभी आप यहाँ पर इस पेन ड्राइव को किसी भी सिस्टम पर लगाकर बूट करा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया। अभी मैं अपने लैपटॉप को अपनी पेन ड्राइव से बूट करा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बूट मेनू आ चुका है और यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव शो हो रही है, तो यहाँ पर मैं इसे बूट करा लेता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेन ड्राइव से बूट हो रहा है। यहाँ पर काली लाइव का बूट मेनू आ चुका है। अभी हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि यहाँ पर लाइव प्रेसिस्टेंस काम कर रहा है या नहीं, यहाँ पर हमारे चेंजेस सेव होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको लाइव प्रेसिस्टेंस सिस्टम से बूट कराया। ये देखिए अभी यहाँ पर हमारा सिस्टम हमारे पेन ड्राइव से बूट हो रहा है। यहाँ पर कालिनक्स की बूटिंग प्रोसेस चल रही है, तो यहाँ पर बूटिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी कालिनक्स बूट हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर इसका लाइव यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सेव होते रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, पर उससे पहले यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सही से दिखाई दे सके। यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कॉन्फिगर करके स्टार्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना वाईफाई ओपन किया, अपने वाईफाई का पासवर्ड टाइप किया, इसको यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया। ये देखिए अभी यहाँ पर हमारी वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। अभी हमारी कालिनक्स इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर कोई भी टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। वो सारे चेंजेस यहाँ पर सेव होते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका प्रसिस्टेंट ड्राइव का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसका प्रसिस्टेंस पार्टीशन ओपन किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मौजूद है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करेंगे, कोई भी टूल इंस्टॉल करेंगे, कोई भी फाइल या फोल्डर क्रिएट करेंगे, आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं, वो चेंजेस यहाँ पर सेव होते रहेंगे। भले ही आप इसको रीस्टार्ट कर दीजिए, रीस्टार्ट होने के बाद भी ये चेंजेस यहाँ पर रीसेट नहीं होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने अपने टूल को डेस्कटॉप पर क्लोन कर लिया है। आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमफिश का फोल्डर बन चुका है। मैं यहाँ पर इसका वॉलपेपर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर चेंज कर दिया है। तो अभी यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पर फोल्डर बन चुका है, हमारा वॉलपेपर चेंज हो चुका है और यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग की फाइल भी सेव हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रीस्टार्ट करा कर देखता हूँ, देखते हैं यहाँ पर ये चेंजेस सेव होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको रीस्टार्ट किया और मैंने अपने सिस्टम को वापस से पेन ड्राइव से बूट कराया। यहाँ पर ये वापस से बूट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बूटिंग प्रोसेस को स्किप कर देता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पर हमारा सिस्टम बूट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे चेंजेस सेव हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को वापस से स्टार्ट कर लिया है। अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो फोल्डर हमने यहाँ पर सेव किया था वो यहाँ पर सेव है, हमारा वॉलपेपर भी यहाँ पर सेव है और ये मेरे वाईफाई से भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा पासवर्ड भी सेव हो चुका है और जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी वो भी यहाँ पर सेव है। ये अभी करंट की रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अभी यहाँ पर सारे चेंजेस सेव हो रहे हैं। यहाँ पर हमारी कालिनक्स 2021 की लाइव प्रेसिस्टेंस यूएसबी ड्राइव क्रिएट हो चुकी है। आप इसमें अपने हिसाब से टूल्स को इंस्टॉल करके रख सकते हैं जो भी आपके लिए ज़रूरी हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अभी आप जान गए होंगे कि कालिनक्स 2021 की लाइव प्रेसिस्टेंस यूएसबी ड्राइव कैसे बनाई जा सकती है, वो भी बड़ी ही आसानी से। तो बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।